आइए तलबा, अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। क्या देखिए, जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में के चीज़ें कुछ ख़रीदना, जैसे हमको केले ख़रीदना है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले पूछते हैं कि क्या दर्जन है। जुमला क्या इस्तेमाल हुआ, क्या दर्जन है। या हम किसी किराना दुकान पर गए और वहाँ से हमको चावल ख़रीदना है, तो हम क्या पूछेंगे, क्या चावल क्या किलो है। ये जो बोलचाल है, ये जो हम जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो सवाल कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये इबारत हम बोल रहे हैं उसको, सामने वाले को जो दुकानदार है उससे हम इबारत में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इबारती सवालात बनते हैं। आइए हम इबारती मिसालें हल करते हैं। एक इबारत इबारती सवाल है कि सेब के एक बॉक्स के 325 रुपये के हिसाब से 6 बॉक्स मसीरा ने खरीदा, तब उनको कितने रुपये देने होंगे। याद रखो, इबारती मिसालें हल करने के लिए जितना आप सवाल को अच्छे ढंग से समझेंगे, आपको हल करना उतना आसान होगा। मिसाल को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार पढ़िए। आप जितना मिसाल को पढ़कर समझकर पढ़ेंगे, आपको उतना अच्छे अंदाज से, उतना अच्छे ढंग से मिसाल हल करते आएगी। ठीक है, यहाँ पर मिसाल है सेब के एक बॉक्स के 325 रुपये के हिसाब से, यानी एक बॉक्स कितने का है, 325 रुपये का। 6 बॉक्स मसीरा ने खरीदा, कितने बॉक्स मसीरा ने खरीदा, 6 बॉक्स मसीरा ने खरीदा। तो सवाल क्या पूछ रहे वो, तब उनको कितने रुपये देने होंगे। यानी 325 रुपये का अगर एक बॉक्स है और 6 बॉक्स खरीदना है तो कितने रुपये देने होंगे। इसको हल करने के लिए आप एक काम कीजिए, हल देखो, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। और क्या दिया उसने, सेब के एक बॉक्स की कीमत कितनी है, 325 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 325। कितने बॉक्स है, 6 बॉक्स है, 6 बॉक्स खरीदना है तो उसे उसको जर्ब करेंगे 6 से। समझ में आया, हाँ। एक बात ध्यान रखो, 6 बॉक्स, एक बॉक्स 325 रुपए का है, हम इसकी 6 गुना कर सकते हैं, इसको इसकी 6 मरतबा जमा कर सकते हैं। जैसे 325 जमा 325 जमा 325 जमा 325 जमा 325, 1 2 3 4 5 और जमा 325। देखिए कितना बड़ा अमल होगा, हो जाएगा। हाँ, इसीलिए जो है ज़र्ब का अमल इस्तेमाल में लाया गया आसानी से। अब यहाँ पर बहुत आसानी से ये हल हो जाते हैं। हमको 6 का पड़ा याद है, हाँ, जो तारीख है उस दिन, जो दिन जो तारीख है उस दिन का वो पहाड़ा बनाइए, लिखिए, उतनी मर्तबा लिखिए, 6 का पहाड़ा, 6 तारीख है, 6 का पहाड़ा लिखिए, 6 मर्तबा लिखिए। पहाड़ा क्यों नहीं याद होगा, याद होगा, 6 का पहाड़ा है, 6 से ज़र्ब देना है, 325 को ज़र्ब देना है। तो सबसे पहले इकाई वाले अदद को ज़र्ब देंगे 6 से, 6 पंजे 30, 30 का सिफर हासिल है 3, 6 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 में कितने मिलाएंगे 3, 12 से 13, 14, 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, वेरी गुड, 18 में कितने मिलाएंगे 1 मिलाएंगे, 18 और 1 19। अब यहाँ पर पूरे 19 लिखेंगे, क्यों,
आगे कोई अदद नहीं है, इसलिए हमें 19 पूरे पूरे लिखना होंगे। जवाब क्या आया? 1950। यानी मसीरा को कितने रुपया अदा करना होंगे? तो यहां लिखेंगे हम, मसीरा को 1950 रुपये देने होंगे। ठीक है, इस तरह से ये हल किए जाते हैं। अदेश सलवा, मैं आपको मजीद सवाल दूंगा, आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। सरप्राज हजरात से मैं दोबारा कुछ मौद्यबाना गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को वक्त दीजिए और उनसे ये होमवर्क कराइए। अगर उनका ये बुनियादी क्लास में, ये निचली क्लासों में ये पुख्ता हो गया तो इंशाल्लाह उनको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी थोड़ी सी कुर्बानी इन बच्चों के बहुत ज़्यादा काम में आएगी, इसलिए आपसे मौद्यबाना गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को लेकर बैठिए।